जी बेटा, हमने आपको बार बार बताया कि हमने जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया 2. चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.1 पॉइंट वन बेटा, बेहतर हो, अल्लाह का शुक्र है। तो एक्सरसाइज 2.1 हमने दो सवाल इंपॉर्टेंट कर लिए हैं, 14 और 15। आज हम 16 करने जा रहे हैं। कहता है फाइंड द पॉइंट, एक पॉइंट निकालो। मेरे बच्चों को अच्छी तरह पता है जो पॉइंट भी बनता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट बनाया तो उसकी एक्स की वैल्यू भी होती है और वाई की वैल्यू भी होती है। ये कैसे पहचानते हैं हम? मिसाल तौर पे ये हमारा ग्राफ है, जब भी पॉइंट बनता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दरमियान, तो ये एक्स की वैल्यू होती है और बेटा यहां से गिरा गया तो ये वाई की वैल्यू होगी। तो जो पॉइंट बनता है उसकी एक्स और वाई की वैल्यू दोनों होती है, कोऑर्डिनेट होती है ना बेटा। तो आज वो कह रहा है फाइंड द पॉइंट। अच्छा भाई, फाइंड द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन थ्री पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट निकालो, ये रहा पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल डमी फिगर बना रहा हूं, ये पॉइंट है, इसका नाम पी एक्स और वाई दे दिया, विच इज इक्विडिस्टेंट, जो इन तीन पॉइंट से हम फासले पर है, इन तीन पॉइंट से हम फासले पर है, हम फासले को इक्विडिस्टेंट कहते हैं। इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। एक डमी फिगर बना रहा हूं, चूंकि डमी फिगर होती है लिहाजा बेटा आप जैसे चाहे बना ले। अब हमने पॉइंट ए निकाल, ये पी निकालना है जिसका फासला ए से, जिसका फासला बी से और जिसका फासला सी से सब बराबर है। जिसका फासला ए से पी के, ए का फासला और पी से बी का फासला और पी से सी का फासला सब बराबर है, ठीक है जी बेटा। पेपर में डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम नहीं बनाओगे, मैं बार बार कह रहा हूं कि चैप्टर टू जो है वो ज्योमेट्री को बिलोंग करता है और ज्योमेट्री में डायग्राम नहीं बनाई तो ज्योमेट्री कहाँ की। इसलिए चैप्टर टू हो या थ्री हो या आगे आने वाला 7, 8 और 9 हो, इनमें डायग्राम बनेगी, क्योंकि चैप्टर टू, चैप्टर थ्री, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 ये सब के सब ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी सॉरी ज्योमेट्री को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये डायग्राम हमेशा राइट हैंड टॉप पे बनाना पेज के, जब एग्जाम में आप बनाओगे और अभी कॉपी पे भी राइट हैंड पे, और पेंसिल से बनाना, पेन से डायग्राम बनती नहीं है। तो आपने क्या निकालना, आपने कैसा पॉइंट पी निकालना है जिसका फासला ए से, जिसका फासला बी से और जिसका फासला सी से बराबर है। मैंने कैसे बचाना बराबर है, मैंने नहीं, उसने कहा विच इज इक्यू डिस्टेंट। ये जो आप इंग्लिश सुने ना इक्यू डिस्टेंट, ये निकला, ये निकला इक्वल डिस्टेंस से। अब हमने क्या लिखा, हमने लिखा लेट पी एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट विच इज इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स, पॉइंट्स दैट इज ए 0, 0, बी 3, 1 एंड सी 6, 0, जो हम फासले पर है इन तीनों दिए हुए पॉइंट से। अब बेटा एक बात बताओ, वही कल वाली बात रिपीट कर रहा हूं जो परसों बात, मैं इस कमरे के सेंटर में खड़ा हूं, मान लो मैं इस कमरे के सेंटर में खड़ा हूं। अब मुझे इस कमरे में चार दीवारें नजर आ रही हैं, चूंकि सर कामरान कह रहे हैं मैं सेंटर में खड़ा हूं लिहाजा मेरा फासला इस दीवार से, मेरा फासला सामने वाली दीवार से, मेरा फासला उल्टे हाथ वाली दीवार से और मेरा फासला पीछे वाली दीवार से बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैंने ही बोल दिया था मैं सेंटर में खड़ा हूं। कोई चीज अगर सेंटर में हो इसका मतलब ही ये होता है उसके सारे जगहों से फासले बराबर है। तो आप बताइए हमने क्या लिखा, सिंस पी इज द सेंटर देयरफॉर, चूंकि पी सेंटर में देयरफॉर, अब बताओ पी से ए तक का फासला बराबर होगा पी से बी तक का फासला, बराबर होगा पी से सी तक का फासला। एग्री करते हैं सर, क्योंकि अगर पी कह रहा हम फासले पर है इसका मतलब पी सेंटर में है, उसका फासला ए से, उसका फासला बी से, उसका फासला सी से बराबर होगा। बोली हाँ या ना,
बेटा समझ में आ रहा है? यस या नो? ओके, तो पी जो है वो सेंटर में, अगर आप गौर कर रहे हो तो 14 क्वेश्चन, कल वाला 15, आज वाला 16 का आगाज एक जैसा ही हो रहा है सर। अगर आप अकलमंद है जरा देखें, 14 का आगाज भी इस तरह हुआ था, 15 का भी और 16 का भी, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आगाज सेम होता है ना बेटा? हाँ, अब हम लिखेंगे दो इक्वल टू आ गए, हमेशा मैंने बोला है तो कंसीडिंग पहला विद दूसरा और बाद में कंसीडिंग दूसरा विद तीसरा, तो पहला विद दूसरा कंसीडर करने जा रहा हूं। तो हमने क्या लिखा, कंसीडरिंग पहला विद दूसरा, है ना बेटा जी? बारी बारी कंसीडर करेंगे, वेरी नाइस। अब निकालूंगा P से A तक का फासला उल्टे हाथ पर और P से B तक का फासला सीधे हाथ पर। मेरे बच्चों को रट गया है, मैं एक दफा फिर लिख रहा हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला, वो वाहिद फॉर्मूला जो हमने 2.1 में थ्रू आउट एक्सरसाइज लगाया, और ये फॉर्मूला अभी तो लग रहा है लेकिन आगे भी बेटा वक्तन वक्तन लगता रहेगा, ये कहलाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये वाहिद फॉर्मूला है जो मैंने चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ाया आपको। अब बताओ जरा बेटा, P से A तक का फासला, अब मैं पीछे नहीं जा रहा, लिख देता हूं P क्या माना आपने, एक्स वाई, और मेरे बच्चों A जो है मैं यहां से उतार लेता हूं, A जो था वो था 0 0। अब बताओ P को पहले बोल रहे हो, A को बाद में, जो पहले बोला जाए वो इनिशियल पॉइंट कहलाता है, जो बाद में बोला जाए वो फाइनल पॉइंट कहलाता है। अब आइए जरा डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर पहले क्या लिखवाते हो बेटा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। बताओ व्हाट इज एक्स टू बेटा, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यानी 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये तो हो गया P से A तक का फासला। अब निकालने जा रहा हूं P से B तक का फासला। अब देखते हैं B के कोऑर्डिनेट क्या थे बेटा, B के कोऑर्डिनेट थे 3, 1। अब बताओ फॉर्मूला क्या था, एक्स टू माइनस एक्स वन क्या लिखवाओगे बेटा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन। अब पहली फुर्सत में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, छतें गायब हो गई। अब बताओ छतें तो गायब हो गई, 0 में से माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, 0 लिखते नहीं, माइनस वाई का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मेरे बच्चों इसकी छत गायब हो गई, ये लीजिए बगैर छत के ही आ गया, एक्स स्क्वायर विल बी एज इट इज, वाई स्क्वायर विल बी एज इट इज। बताओ ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। बताओ ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 ए बी 2 3 जा 6 एक्स प्लस बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर डीट 1 माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहली फुर्सत में एक्स स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल, क्या बच गया 0 इज इक्वल टू बेटा 9 प्लस 1 इज 10, 9 प्लस 1 इज 10 माइनस 6 एक्स माइनस 2 वाई। ये 10 कैसे बना, ये 9 और जमा 1 10 होगा, ठीक है, लेकिन हमने x को पॉजिटिव। अभी काम करें एक काम करें, पहले माइनस 2 वाई को उधर उधर लेके आए। बताओ माइनस 2 वाई आगे क्या हो जाएगा, प्लस 2 वाई, और इसको यहां लिखे रहने क्या है बेटा, 10 माइनस 6 एक्स, 10 माइनस 6 एक्स, ठीक है, या ऐसे कर ले इसको, ऐसी रहने यार, ये लीजिए बेटा आप इसको उधर ले जाए माइनस 2 एक्स माइनस 6 एक्स को ले जाए प्लस 6 एक्स, है ना बेटा, और माइनस 2 वाई को दे ले जाए प्लस 2 वाई, क्योंकि एक्स को पॉजिटिव रखना फर्ज है, ये लीजिए, और उसने कहा मुझे छोड़ के ना जाओ मैं भी आऊंगा, इसको मैं ले जाए बेटा, एक्स को पॉजिटिव रखने खातिर किया ये, क्योंकि एक्स अल्फाबेटिक ऑर्डर पहले आता है, अंदर आके माइनस 10 सही बेटा, मैं सबको उधर ले गया माइनस 6 प्लस 6 एक्स माइनस 2 जाके प्लस 2 वाई प्लस 10 में जाके माइनस 10। अब बताओ ये पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, कर दीजिए डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। अच्छा जी, अब बेटा मेरा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 2 1 जा 2 5 जा, इक्वेशन नंबर 1 हैज बीन ऑब्टेन्ड, है ना बेटा। अब आप बताओ लिखोगे नाउ कंसीडरिंग दूसरा विद तीसरा। अब बताओ P से B तक का फासला और P से C तक का फासला,
मेरे बच्चों पी से बी का फासला तो ऑलरेडी मिला हुआ है, मैं उसको छाप दूंगा। ये देखिए पी से बी तक का फासला तो उतारा हुआ है, इसी को छाप दे बेटा, पढ़ ले क्या है। पी से बी का फासला 3 - x² + 1 - y² ये देखिए मैंने छाप दिया 3 - x² + 1 - y। अगर शौक हो तो दोबारा निकालने बेटा, यही आएगा। मैं बार बार क्यों निकालू, मैं पी से बी का फासला निकाल चुका हूं, मैंने छाप दिया 3 - x² + 1 - y² ठीक है। अब पी से सी का फासला निकाल लूंगा, पी को मेरे बच्चों ने एक्स और वाई माना हुआ और सी जो था वो था 6.0। ये इनिशियल हो जाएगा x1 y1 और बेटा ये फाइनल हो जाएगा x2 y2। बताओ फॉर्मूला क्या कहता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। बताओ बेटा क्या आएगा, x2 6 - x² + y2 - y1 2 - y² पहली फुर्सत में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, छतें गायब हो गई, बगैर छत के ये आ गया और यहां से छतें गायब हो गई, बगैर छत के ये आया और मेरे बच्चों जीरो लिखते नहीं, माइनस और का स्क्वायर प्लस और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये बन गया a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला। ये देखिए a का स्क्वायर 9 - 2ab 2c 6x + x² ये आ गया a - b का होल स्क्वायर। 1 - 2ay + b² बेटा यहां बनेगा a - b का स्क्वायर 3 - 6² = 36 - 2c = 12x और प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये वाई स्क्वायर तो लिखा हुआ था, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। बताइए बेटा जमा कीजिए, 9 - 1 = 10 आ जाएगा। -6y लिखा हुआ है, -2y लिखा हुआ है, यहाँ क्या बचा 36 - 12x। अब बेटा x को उधर ले जाओ ताकि पॉजिटिव हो जाए, ये -12x बन जाएगा +12x। ऑलरेडी इसके साथ क्या ले दोगे, -6x, क्योंकि मैं 12x को उधर लेके गया हूं बेटा, -12 बन जाएगी +12 और उसके साथ -6। -2y लिखा है इसको छाप दे, +12 लिखा हुआ था, लिखे रहने, उसने कहा सर मैं भी आ रहा हूं, कोई एक जाता सब पीछे लग जाते हैं, ये भी आ गया, क्या आ गया बेटा ये -36 हो जाएगा। मेरे बच्चों 12x में से 6x गया 6x, -2y एलिमिनेट इट इज, 10 में से 36 गया -26। डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड हो रहा है तो करूंगा, 2 से डिवाइड किया 2 3 - 2 1 - 2 13 ठीक है बेटा। ये लीजिए इक्वेशन 2। अब मेरे बच्चों दो इक्वेशन आ गई दो वेरिएबल के साथ। अब जरा गौर करो, जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं उसको देखिए, आप पढ़े सब, ये क्या है प्लस वाई, अच्छा और ये क्या है माइनस वाई। अक्लमंदों के लिए इशारा काफी, बच्चों ने कहा दोनों को ऐड कर दे, वाई से वाई चला जाएगा, वाई जाएगा तो एक्स आएगा, है ना बेटा। तो हमने क्या लिखा, एडिंग तुम दोनों को, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, जरा मिलके बताइएगा 1 इक्वेशन क्या थी बेटा, पढ़े 3x + y - 5 = 0। ये देखिए मैं लिखा 3x + y - 5 = 0, ये तो मैंने लिख दिया 3x + y - 5 = 0। अब ये लिखेंगे बेटा 3x - y - 13, 3x - y - 13 ऐड करते हुए साइन चेंज नहीं होते, कुर्बानी हो गई y की, 3x + 3x 6x, -5 - 13 - 18, 6x ने कहा मुझे तना छोड़ दीजिए, -18 में जाके +18, x = 18/6, 6 × 1 = 6, 3 = 3 मुबारक है, x की वैल्यू आ गई। अब मेरे बच्चों इस x को उठा के अपनी मर्जी की किसी क्वेश्चन में रख दो, पुटिंग x की वैल्यू जो भी आई है 3 इन माय पसंद की इक्वेशन। अब मुझे कौन सी पसंद आ रही इक्वेशन वो मेरी मर्जी है, मुझे इक्वेशन 1 पसंद आ रही है, आपका दिल चाहे आप 2 पे रख दें, इट डजंट मैटर, मैं x की जगह रखूंगा 3x + y - 5। ये देखें 3x + y - 5 = 0, 3 × 9 + y - 5 = 0, y से कहना साइड को जाओ, 9 में से 5 गया 4, y = -4। देयरफॉर p पॉइंट जो हमने x और y माना था वो अब सामने आ गया, x की जगह 3, y की जगह -4, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। खत्म बेटा, समझ में आया।
उतार लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, आप इसको उतार लें फिर इसको। एक मिनट जी, एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कर लिया बेटा, अब हम करने जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज यानी 2.1 का क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, यही 2.1 का क्वेश्चन नंबर 18। ये सवाल देखिए बड़ा सिंपल सा है। नहीं बेटा 18 क्वेश्चन बन के नहीं आ सकता, लेकिन ये एनएडी में नस के पेपर से पूछा जाता है। कहता है शो दैट, साबित कीजिए, बहुत सिंपल सवाल है। शो दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की तमाम वैल्यू के लिए द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, दिस पॉइंट और ये पॉइंट एक्स वाई है, एंड टू द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, और बी जो पॉइंट है वो दिया हुआ इस तरह एक्स प्लस म्यू कॉस थीटा, बेटा जगह नहीं नीचे लिख रहा हूं, वाई प्लस म्यू साइन थीटा। म्यू होता है ना म्यू, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते थे आप फिजिक्स में। उसने कहा है साबित करें कि ए से बी तक का फासला, डिस्टेंस जो निकालेंगे वो हमेशा हमेशा म्यू आएगा। साबित करके दिखाएं, ये हमेशा म्यू आएगा। अब जरा गौर कीजिएगा बात पर, मैंने लिखा लेट ए इज दिस, हमें साबित करना है। अच्छा मिसाल के तौर पर मैं खड़ा हूं और सामने दीवार है, मैंने कहा अपने बच्चों से साबित करो कि मेरा फासला इस दीवार से 10 फीट है, मेरा फासला इस दीवार से 10 फीट है, मेरा फासला इस दीवार से 10 फीट है। तो आपने क्या करना है, कहना सा खड़े रहे मैं आता हूं, आप मेरे पांव से लेके वहां तक का फासला निकालेंगे, अगर 10 फीट मिल गया तो आप बोलेंगे सर साबित हो गया आपका फासला इस दीवार से 10 फीट है। यही वो कह रहा है, साबित करो इस किनारे से इस किनारे तक का फासला म्यू है। आइए निकाल के देख लेते हैं, लेट ए इज दिस एंड बी इज दिस, बेटा मैं यहां लिख देता हूं एंड बी इज दिस एक्स प्लस म्यू कॉस थीटा कॉमा वाई प्लस म्यू साइन थीटा। अब देखिए मैंने निकाला ए से बी तक का फासला, क्योंकि वो कह रहा है म्यू आना चाहिए, हमने कहा निकाल के देख लेते हैं, आता तो ठीक है नहीं आता तो देखा जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने लिखा, अब दुआ कीजिएगा इसका फासला म्यू आए, यही साबित करना है। अब ए से बी तक का फासला निकाले जा रहा हूं दुआ के साथ के म्यू आए। बताओ ये इनिशियल है तो इसे एक्स वन वाई वन मानेंगे, और ये पूरा एक्स टू और ये पूरा वाई टू। बताओ फॉर्मूला क्या कहता था, एक्स टू, बढ़ो बेटा एक्स टू क्या है, एक्स प्लस म्यू कॉस थीटा। बेटा एक्स टू क्या है, ये पूरा एक्स टू है बेटा, ये पूरा एक्स टू, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स वन है एक्स प्लस वाई टू क्या है बेटा, वाई टू ये रहा, y2 क्या है बेटा, y प्लस म्यू साइन थीटा माइनस y1, y1 क्या है y, y का स्क्वायर, अंदर ही अंदर x से x क्या हो गया कैंसल, अंदर ही अंदर y से y क्या हो गया कैंसल। मेरे बच्चों क्या बच गया, म्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस म्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। बताओ ये स्क्वायर दोनों पे खुलेगा, म्यू पर भी और कॉस स्क्वायर पर भी, कॉस पर भी कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यहां म्यू पर भी स्क्वायर आएगा और साइन पे भी स्क्वायर आएगा, दोनों में से म्यू स्क्वायर क्या निकालोगे कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मेरे बच्चे मैट्रिक पास हैं, उनको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, क्यों हो जाएगा म्यू स्क्वायर। बताओ बाहर निकल के क्या आ जाएगा म्यू, मुबारक हो हमने निकाल के देख लिया ए से बी तक का फासला म्यू आया, जो तुमने कहा था वो उतना ही आया। ये खत्म हो गई एक्सरसाइज सर, उतार लें इसको। तो आज हमारी एक्सरसाइज इस क्वेश्चन नंबर 18 के बाद खत्म हो गई। ठीक है बेटा, तो आपसे कल मुलाकात होती है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज बेटा।